हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो डिस्कस अबाउट वन बाई वन यूनिट वाइड हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमें देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट वन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप के बारे में बताना है और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा 2 नंबर का, शॉर्ट नोट में थोड़ा सा लिख देना। और दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर में, डिफाइन प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन यूकैरियोटिक। कभी कभी इसी क्वेश्चन को, ये अभी दो दो नंबर में एक एक शॉर्ट नोट पूछा है, डिफाइन प्रोकैरियोटिक, डिफाइन यूकैरियोटिक। कभी कभी 5 नंबर में, 7 नंबर में या 10 नंबर में पूछना हो तो इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है, दोनों के बारे में, या थोड़ा सा ब्रीफली बताओ उनके बारे में। तो जब भी अगर ये क्वेश्चन तैयार करना है तो क्या करना है, इनको डिटेल में पढ़ना है। 2 नंबर में आए तो 2 नंबर के हिसाब से लिख देना, 5 नंबर में, 7 नंबर में आए या 10 नंबर में आए तो उसे उसके हिसाब से लिख देना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट वाइवल काउंट। ये क्वेश्चन को भी देख लेना, जो ये मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। एक बार आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को पढ़ लेना और हो सके तो डायग्राम बनाने की कोशिश करना। जो भी क्वेश्चन है उनमें अगर डायग्राम बनाओगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताइए। कल्चर मीडिया को तो आपने प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में बनाया हुआ, इसका प्रैक्टिकल भी है, तो बहुत आसानी से जो जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनको कल्चर मीडिया बनाने के लिए उनके बारे में डिटेल में लिखना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में, डिफाइन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जैसे बैक्टीरिया की उत्पत्ति से लेकर उसके ख़त्म मरने तक उनका एक बैक्टीरियल कर्व होता है। जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया यहाँ से डेवलप हुआ, फिर स्टेबल हुआ, फिर उसका यहाँ पर समाप्ति हो गई, तो ये उसका कर्व है। तो सारे उस कर्व को पढ़ना है तुम्हें और डिटेल में उनके बारे में लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, 7 मार्क्स में है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर डिफरेंस बिटवीन ऑल्सो। देखो मैंने बोला था ना, अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लो तो 2 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन तो अपने आप तैयार हो रहे हैं। देखो इन्हें वही रिपीट कर दिया है, इनके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से आप क्या समझते हैं और उनके बीच में अंतर बताएं, ठीक है, ये सब पूछा है। अब बात करते हैं हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। एक ही क्वेश्चन तैयार कराया है, इसको आप तैयार करके जाना। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 पर आते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, डिफाइन स्टरलाइजेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन स्टरलाइजेशन, तो ये आप बता देना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई एसिड फास्ट स्टैनिंग, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट नॉन एसिड फास्ट स्टैनिंग। तो जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह इनको पढ़ना है। जैसे दोनों को कंपेरेटिव एनालिसिस के साथ पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो ऐसे पढ़ना, जैसे पहले दोनों को अलग अलग बनाना, जैसे एसिड फास्ट स्टैनिंग तो एक तरफ लिखना एसिड फास्ट स्टैनिंग, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लेना नॉन एसिड फास्ट टर्निंग। अब जो भी इसमें पॉइंट लिख रहे हो
उसके पॉइंट इधर भी आएंगे नॉन फास्ट के, तो दोनों को कंपेयर करके करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, ठीक। अब बात करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन की। 7 मार्क्स में पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोकेमिकल टेस्ट IMWiC टेस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड फास्ट टर्निंग एंड नॉन एसिड फास्ट टर्निंग। देखो, जो 5 नंबर में पूछा है, 7 नंबर में पूछा है, वही 2 नंबर में पूछा है। अगर आप डिटेल में पढ़ो तो 2 नंबर का अपने आप तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन अबाउट स्टेरिलिटी इंडिकेटर, इसको भी तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन स्टेरिलिटी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टरलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट एंड एप्लीकेशन ऑल्सो। तो स्टरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसके मेरिट मतलब उसके लाभ और डीमेरिट उनके हानि, और उसके उपयोग उसके एप्लीकेशन के बारे में बताना है। तो देखो, ये बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लो तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्फेक्टेंट, तो डिसइन्फेक्टेंट से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक को डिफाइन कर देना। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्फेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डिसइन्फेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। देखो, सेम चीज़ जो मैंने कहा था आपसे, कंपेरेटिव एनालिसिस करके पढ़ोगे तो जल्दी से याद होगा। 7 मार्क्स के क्वेश्चन से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, और आगे मेरे को लग रहा है 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इनने क्या पूछा है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्फेक्टेंट, डिसइन्फेक्टेंट से आप क्या समझते हैं, और एंटीसेप्टिक से आप क्या समझते हैं, और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, वो हमें डिस्क्राइब करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में डिटेल में लिख देना, शॉर्ट नोट बना के लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइन्फेक्टेंट। तो डिसइन्फेक्टेंट की क्लासिफिकेशन बता देना, और मोड ऑफ एक्शन कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्फेक्टेंट, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन। सेम क्वेश्चन, देखो सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया जो 7 नंबर में 2 नंबर में पूछा है। अगर आप ये तैयार कर लो, 2 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्फेक्टेंट, डिसइन्फेक्टेंट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन, उसे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं, और मोड ऑफ एक्शन मतलब उनको कैसे कैसे काम करता है वो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 क्या कहती है, यूनिट नंबर 4 कहती है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन्स, विटामिन से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के बारे में बताएं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन, क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन एंटीबायोटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 7 मार्क्स क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 मार्क्स में पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट से आप क्या समझते हैं, लेमिनार एयर फ्लो। देखो, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन है इसका, लेमिनार एयर फ्लो, और टर्बुलेंस एयर फ्लो क्या होता है, लेमिनार एयर फ्लो से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ये इक्विपमेंट आपने माइक्रोबायल लैब में भी देखा होगा, वहाँ पर जो भी अपन कल्चर मीडिया होता है उसको हम लेमिनार एयर फ्लो में रखते हैं, ठीक है। एक बार जाके और देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, कैसे काम करता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे एंड एक्सप्लेन मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे से आप क्या समझते हैं, और एंटीबायोटिक को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कौन से मेथड, जो भी मेथड है उनको एक्सप्लेन करिए। इसमें क्या होता है, जो भी ऐसे क्या काम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल जो ऐसे होते हैं वो काम क्या करते हैं बेसिकली,
किसी भी जो भी हमने ड्रग बनाया है उसकी पोटेंसी के बारे में बता दूँ, उसकी क्षमता के बारे में बताएंगे कि ये ड्रग कितना कारगर है। अब जो भी मेथड एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो भी हम बनाएंगे उसका स्टैंडर्डाइजेशन मेथड है उसके बारे में ये ऐसे बताएंगे हमें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय असेप्टिक एरिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन असेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑल्सो। असेप्टिक एरिया के बारे में क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना और एक क्वेश्चन एक भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में देखते हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पॉइलेज। स्पॉइलेज पर एक छोटा शॉर्ट नोट लिखिए, उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमल सेल कल्चर के एप्लीकेशन के बारे में बताना है, कैसे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। एनिमल सेल कल्चर, वैसे आप जानते हो क्या होता है एनिमल सेल कल्चर? एनिमल सेल कल्चर जो भी सेल्स होती हैं उनको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, फिर उस पर जो भी ड्रग वगैरह होती है उन ड्रग को हम इस पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि उन ड्रग का इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए एक सेल कल्चर बनाया और उसमें पहले एक डिसीज डाली, बीमारी को डाला। अब बीमारी के उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी हमने मेडिसिन बना रहे हैं उसको इसमें डालेंगे। अब देखते हैं कि रिकवरी हो रही है या ख़राब हो रहा है। अगर रिकवरी हो रही है तो जो भी हमने एंटीबायोटिक या मेडिसिन जो भी बना रहे हैं तो सही बन रही है। अगर रिकवरी नहीं हो रही है, ख़राब हो रहा है, तो सही नहीं है। तो एक सेल कल्चर है जो हम लेबोरेटरी में यूज करके कर सकते हैं। इससे क्या है, ह्यूमंस और वगैरह जो भी हम एनिमल्स पर डायरेक्ट ट्राई करते थे उससे ये बेटर तरीका है, ठीक है। अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, डिफाइन स्पॉइलेज, राइट डाउन इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। देखो 2 मार्क्स में भी पूछ लिया, 7 मार्क्स में भी पूछ लिया। 7 मार्क्स में थोड़ा फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्पॉइलेज को, उसके बारे में एक्स्ट्रा पूछ लिया है। तो मैं तो कह रहा हूँ बड़ा क्वेश्चन तैयार करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 7 मार्क्स में। एक्सप्लेन डिटेल अबाउट एवेल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेप ऑफ फॉर्मुलेशन, ठीक है। डिटेल में बताइए एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेप फॉर्मुलेशन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एनिमल सेल कल्चर, डिफाइन इट्स प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑल्सो। जो मैंने आपको अभी सेल कल्चर का एक छोटा सा एग्जांपल दिया था वही आपको इसमें बताना है, उसको थोड़ी डिटेल में बता देना। पहले हमको क्या बताना है इसमें, एनिमल सेल कल्चर क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, छोड़ के मत जाना, करके जाना। एनिमल सेल कल्चर से आप क्या समझते हैं, डिफाइन इट्स प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रोसीजर कौन सी प्रोसीजर यूज करी जाती है और इनका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब हमको बतानी है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गई। अब आपको देख, एक बार मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिट वाइज कितने कितने तैयार करने हैं, कितने कितने क्वेश्चन हैं, एक बार से तैयार देखते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन दिए यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। और यूनिट नंबर 2 में दिए हमारे 3, 6, 1, 7, 7 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में देखिए 3, 2, 5, 1, 6 क्वेश्चन दिए हैं। यूनिट नंबर 4 में हमारे 4, 3, 7, 1, 8 क्वेश्चन दिए हैं। और यूनिट नंबर 5 में हमारे दिए हैं 3, 2, 5 क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को एक बार थोरोली जाइए, प्रिपेयर करिए, अभी टाइम है आपके पास, आराम से हो जाएगा। अब मैं बस यही कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन।